हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के आधे से ज़्यादा मैच खेले जा चुके हैं और अब धीरे धीरे सेमीफाइनल की तस्वीर भी साफ होने लगी है। दोस्तों, टीम इंडिया पहली टीम है जो वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किए हैं और अब बाकी बची टीम भी सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप की चार सेमीफाइनल खेलने वाली टीम कौन सी हो सकती है और कौन सी टीमों का मुकाबला सेमीफाइनल में किसके साथ हो सकता है उसको जानते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में 14 पॉइंट के साथ भारत पहले नंबर पर है और टीम इंडिया ऑफिशियल रूप से सेमीफाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर लिए हैं। दोस्तों, टीम इंडिया का अगला मुकाबला 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका से और 12 नवंबर को नीदरलैंड से होना है। तो दोस्तों, टीम इंडिया अगर इन दोनों मैचों को जीतती है तो 18 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर रहेगी। दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम साउथ अफ्रीका की टीम हो सकती है। दोस्तों, इस समय पॉइंट टेबल में साउथ अफ्रीका की टीम दूसरे नंबर पर है। दोस्तों, साउथ अफ्रीका का अगला मैच भारत से होना है और दूसरा मैच 10 नवंबर को अफगानिस्तान के साथ होना है। दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका की टीम अपने बचे दोनों मैचों को जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका का भी 16 पॉइंट हो जाएगा और ये टीम भी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल मैच खेलने के लिए ऑफिशियल रूप से क्वालीफाई कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर साउथ अफ्रीका अपने बचे दोनों मैचों को जीत जाएगा तो पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर वही टीम जाएगा जिसका नेट रन रेट अच्छा होगा। दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली तीसरी टीम ऑस्ट्रेलिया की टीम हो सकती है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट टेबल में 8 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का अगला मैच इंग्लैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ होना है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को 3 में से 2 मैच जीतना होगा। दोस्तों, अगर 2 मैच में ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो 12 पॉइंट के साथ वह सेमीफाइनल खेलने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली चौथी टीम न्यूजीलैंड की टीम हो सकती है। दोस्तों, न्यूजीलैंड अभी 8 अंकों के साथ चौथे नंबर पर हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ है। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड अपने बचे 2 मैचों में से अगर 1 मैच भी जीत जाती है तो वह 10 पॉइंट के साथ आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में खेलने के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों, इन 4 टीमों के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम भी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भी रेस में बनी हुई है। दोस्तों, पाकिस्तान का इस समय 6 पॉइंट है और पाकिस्तान का अगला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की टीम इन दोनों मैचों को जीत जाता है तो पाकिस्तान का भी 10 पॉइंट हो जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ अफगानिस्तान की टीम का इस समय 8 पॉइंट है और दोस्तों अफगानिस्तान का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। दोस्तों, अगर अफगानिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाना है तो उनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों को हराना होगा। दोस्तों, आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भारत की टीम है। दोस्तों, इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों, चौथी टीम के लिए अभी भी न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीम रेस में है। दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड टीम को अगर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उनको पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को हराना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ पाकिस्तान टीम को भी अगर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में चौथी टीम बनना होगा तो उनको न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को हराना होगा। दोस्तों, इसके साथ साथ अफगानिस्तान टीम को भी अगर आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनानी है तो उनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को हराना होगा। दोस्तों, सबसे ज़्यादा चांस न्यूजीलैंड टीम का है क्योंकि न्यूजीलैंड के अभी 8 अंक है और उनके पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों के साथ उनका मुकाबला है। तो दोस्तों, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी टीमों को हराने के बाद न्यूजीलैंड आसानी से 12 अंकों के साथ चौथी टीम बन सकती है। अब दोस्तों देखना होगा कि चौथी टीम कौन सी हो सकती है जो आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएगी। तो दोस्तों, अभी आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के पॉइंट टेबल में जो टॉप 4 की टीम है वही टीम आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में जा सकते हैं। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप में पहला सेमीफाइनल मैच 15 नवंबर को खेला जाएगा। दोस्तों, जो टीम पॉइंट टेबल में पहले और चौथे नंबर पर रहेंगे उन्हीं टीमों के बीच में पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा।
यानी दोस्तों पहला सेमीफाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा दूसरा सेमीफाइनल मैच 16 नवंबर को खेला जाएगा। दोस्तों जो टीम दूसरे और तीसरे नंबर पर पॉइंट टेबल में रहेंगे उन टीमों के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा, यानी दोस्तों साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मैच हो सकता है। दोस्तों पहला सेमीफाइनल मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और दूसरा सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। और दोस्तों आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच 19 नवंबर को अहमदाबाद के गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों ऐसी क्रिकेट के छोटे छोटे अपडेट के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।